हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। आपको नया वीडियो में फिर स्वागत है। आई एम लावल थापा फ्रॉम गल्फ कंट्री से। ठीक है, गल्फ कंट्री में हम लोग एक फूड सेफ्टी या फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, आपको आपको वीडियो के जरिए आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग कैसे रहता है, सिचुएशन माहौल क्या रहता है ना, हाइजीन्स, उसके बाद फूड सेफ्टी किस तरह से रहता है, हम लोग इसके बारे में हम लोग आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते हैं। और मैं फिलहाल अभी मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने इस बोर्ड को इधर अटैच किया है और ये मेरा बेड है, बेड कवर में बैठा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास स्पेस नहीं होने कारण से और हम लोग इस तरह से वीडियो आज शूट कर रहे हैं। हम लोग इस तरह से वीडियो, नेक्स्ट कमिंग वीडियो इस तरह से आप लोग आए। ठीक है, किस तरह से भी हो आप लोग को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग मतलब है लर्निंग। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, उसको कोई मुश्किल नहीं, बट उन लोग को भी आपको लर्निंग मिल सकता है, प्रोसीजर लर्निंग पॉइंट मिल सकता है, रिवाइज होता है। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट आप लोग क्या देखता है कि सबसे पहले देखता है फूड इंडस्ट्री में क्या है ना, कि आपको हाइजीन देखता है। देखो हाइजीन देखता है, हाइजीन है, हाइजीन एक क्या, हाइजीन देखता है, नंबर वन हाइजीन देखता है। हाइजीन में क्या है कि आपको नीट एंड क्लीन रहना है, साफ सफाई रहना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आप फूड हैंडलर हो, तो आपको क्या है कि हाइजीन आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे बेसिक चीज़ है, ये तो हाइजीन आज का चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है, जैसे कि आपको नहाना धोना, ये छोटा से बचपन से या तो दादा दीदा से पुरखा से, मैंने पुराना से आप लोग सीख के आए, हम लोग भी सीखे आए। अभी क्या जस्ट किताबों में आपको छपा है एंड प्रिंट आउट हुआ, 1952 के बाद ये सब प्रिंट आउट हुआ, एक्सपेरिमेंट किया है ना, बाद में ये लोग को चालू किया, इस तरह से होना चाहिए। बोले ये सब कब स्टार्ट किया, जब इसने उसने देखा 1952 को, आप लोग ने इसको नोटिस किया होगा, 1952 में आर्मस्ट्रांग ने इसको स्टार्ट किया था फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, आर्मस्ट्रांग कौन है इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर मेरे चैनल में जाकर वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये सब क्या है, हाइजीन के बारे में आप लोग सीखते हैं, जानते हैं, है ना, बेसिक चीज़ है। आपको बाल छोटा करना, जैसे मैंने किया, देखो बाल छोटा किया है, आप लोग सोच रहे हैं स्टाइलिश है, ऐसा नहीं है। फूड इंडस्ट्री में आपको बाल छोटा करना, आपको नीट एंड क्लीन, आपका यूनिफॉर्म जो आप जो किचन में जो काम करते हैं, यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, नेल कट होना चाहिए, और इसका अलावा और से पॉलिसी है ना, पॉलिसी है, इसका अलावा और पॉलिसी है, सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, इन किचन में आप काम कर समय मास्क लगाना, हेयर नेट लगाना, ये सब क्या, दिस इज द हाइजीन है, हाइजीन, ठीक है ना, दिस इज द हाइजीन। तो इसका अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मैटर करता है फूड से इंडस्ट्री में, सेफ फूड रखने के लिए, है ना, सुबह का शाम का सुबह ऐसा नहीं खाने का, जो भी चीज़ें फ्रेश बनना चाहिए, क्योंकि एक ही फूड से आपको, जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी, हम लोग जो जीत रहे हैं 2.5 से 3 हज़ार आदमी है। ठीक है, आपको एक ही फूड से आपको 2.5 से 3 हज़ार आदमी का पेट खराब या फूड पॉइजन हो सकता है, तो ये क्या आपको ये सब अवॉइड करना, जो भी चीज़ें फ्रेश सुबह का सुबह शाम का शाम ब्रेकफास्ट आकर खिलाकर उसको करना है। दिस इज द क्या फूड सेफ्टी। हाइजीन का बता दिया, हाइजीन को आपको नीट एंड क्लीन साफ रहना पड़ेगा, हर चीज़ हर डे एवरी डे आपको ऊपर से नीचे तक क्या एवरी डे लॉन्ड्री देना पड़ेगा, आपको हाथ धाना पड़ेगा, शावर लेना पड़ेगा,
उसके बाद जो है सू क्लीन होना चाहिए, है ना, आपका बॉडी पूरा बदबू आना नहीं चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये सब क्या आप लोग, मैं जस्ट जो बताता हूँ ना, बेसिक चीज़ें भाई, बेसिक चीज़ें आप लोग, मैं जो बताता हूँ इस वीडियो के जरिए, आप लोग जो बताता हूँ जस्ट क्या है, बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को फोकस करता हूँ। ऐसे कुछ नहीं है, मैं थोड़ा हाइजीन नहीं है, वो नहीं हूँ, हाइजीन नहीं हूँ, जस्ट मैंने फूड सेफ्टी एंड हाइजीन में जो मैं लर्न करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं मेरा आँख से जो देखता हूँ, वो चीज़ आप लोग सब इस वीडियो के जरिए आप लोग को मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। आपको पसंद है, आपको लर्निंग चाहिए, तो आप मेरा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, यही है। और पॉलिसी है, उसके बाद आपको फूड सेफ्टी क्या है कि फूड सेफ्टी मीन्स होता है आपको फूड को साफ माने सेफ रखना चाहिए। जो फूड हम लोग खाते हैं ना, वो फूड खाकर हमको सेफ होना चाहिए, हमारा पेट सही होना चाहिए, खराब होना चाहिए। दिस इज कैन फूड सेफ्टी, दिस इज कैन फूड सेफ्टी। फूड मीन्स खाना, सेफ्टी मीन्स माने सेफ, अच्छा अच्छा सुरक्षित रखना, है ना, बेसिक चीज़ है। सबसे क्या है बेसिक चीज़ आपको, इसमें बेसिक चीज़ में आपको क्या है कि आपको बेसिक चीज़ में क्या है कि बेसिक में आपको पढ़ना चाहिए लेवल वन टू, है ना, वन टू आपको करना चाहिए, लेवल वन टू करना चाहिए, ठीक है। वन टू थ्री भी रहता है, थ्री थोड़ा हार्ड रहता है, वन ईजी रहता है, टू थोड़ा हार्ड रहता है, थ्री फिर थोड़ा और हार्ड रहता है ना, क्वेश्चन रहता है उसमें भी, क्वेश्चन रहता है, और फिर फोर में फोर भी थोड़ा हार्ड है, और लेवल फाइव भी थोड़ा उससे भी ज़्यादा हार्ड होते जाता है, ठीक है। और छोटा छोटा क्रिटिकल चीज आप लोग इससे बताता है, लेवल फोर केस स्टडी, इसमें जो लेवल फोर में जो केस स्टडी ज़्यादा बताता है, और लेवल फाइव में थोड़ा भाई छोटा चीज़ भी, छोटा छोटा कीटाणु भी उसमें स्टडी केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज आपको लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री आपको सीखना चाहिए, और ये सब लेवल फोर लेवल फाइव सीखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, लाखों रुपया आपको खर्च करना पड़ता है, लाखों रुपया कोर्स है भाई। लाखों रुपये का कोर्स है, वो नहीं बताता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको आपको स्टेशन में जाकर, अपना किचन में जाकर, अपना आप लोग से जो जितना भी फूड हैंडलर हो, आपको किचन में जाकर आपको सेफ्टी रहना, उसमें एक्सपेरिमेंट करना है ना। उसके बाद आपको फिजिकल जो उसमें आपको सुधर करना है, यही बात है चीज़ें। और फूड सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है, पॉलिसीज क्या है, कंपनी का पॉलिसीज क्या है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, है ना, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ क्या आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक चीज आप लोग को इस आपको इसमें फंडा रहता है कि आपको सीखना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इंटरनल क्या है, जीएचपी क्या है, है ना, जी एच पी क्या है, गुड हैबिट क्या है, बैड हैबिट क्या है, सब सीखना पड़ेगा। गुड हैबिट, जी एच पी, बैड हैबिट, गुड हैबिट, ये सब क्या आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके बाद जितना भी किचन का जो भी इनसाइट है ना, साइड में इनसाइट पोस्टर का आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब से अगर आप सीख सकते हैं ना, कौन पोस्टर में क्या क्या मेंशन किया है, क्या चीज़ आर्टिकल लिखा है उसमें, आपको सब देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखो, इतना आपको बेसिक चीज मैंने इस वीडियो के जरिए बताता हूँ।
जो भी फूड हैंडलर रहा हूँ, इसका अलावा बहुत सी चीज़ें भाई, बहुत चीज़ मैंने इस चैनल में ना बहुत सी चीज़ मैंने वीडियो बना कर छोड़ा हूँ, ठीक है। तो यही बात है, यही चीज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लिप में फिर मुलाकात करता हूँ आप लोग साथ, इस तरह से इसी स्टाइल में आप लोग को जितना मेरा नॉलेज है आप लोग साथ शेयर करता रहूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग साथ इस तरह से मैं कुछ ना कुछ आप लोग को लेके आता हूँ, ठीक है। और आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं, है ना थापा बी ब्लॉग्स में, दूसरा चैनल है ब्लॉग्स वन में आप विजिट कर सकते हैं। और ये जो चैनल जो है ये तो मेरा तलाल था पर इस चैनल में आप देख रहे हैं इसका अलावा भी आप लोग इसमें था भी ब्लॉग्स जो चैनल है, मैंने कैसे रहता हूँ विदेश में, कैसे रहता है आप लोग, वो लोग को क्या लाइफ रहता है, क्या खाना मिलता है, कैसे एकोमोडेशन मिलता है, किस तरह से रहता है उसका प्लेस, एकोमोडेशन कैसा है, जितना भी आपको उधर का जो लाइफ स्टाइल है ना, शॉप कितना दूर रहता है, मेडिकल सिस्टम कैसे रहता है, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो के जरिए मैंने इस ब्लॉग में डालता हूँ, इसमें ब्लॉग में आपको डायरेक्टली आपको फेस टू फेस डालता हूँ, ठीक है। ब्लॉग बनाकर आप लोग डालता हूँ, आप लोग चाहे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस यही। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए गुड बाय।